ओम शांति। आज का टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि बहुत समय से हम ये संकल्प कर रहे हैं लेकिन ये संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, तो इस पर थोड़ा सा चिंतन चला और जर्नी करने के बाद थोड़ा पता चला कि हमारे संकल्प शायद पूरे नहीं होते। पूरा होता है हमारा उस संकल्प के पीछे का इंटेंशन, उसके पीछे का भाव, उसके पीछे का आशय कि क्या है इसके पीछे भाव, उसके आधार से उस संकल्प फलीभूत होता है नहीं तो नहीं होता। तो आज का टॉपिक भी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, अच्छे थॉट भी चलाते हैं लेकिन वो पूरा नहीं होता। तो इंटेंशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू मैजिक का मतलब, अगर मेरा इंटेंशन ठीक है तो उसके आधार से मैं जो एक्शन लूँगा उससे कमाल होगा। ये महामंत्र है सफलता का कि कर्म के पीछे हमारा इंटेंशन या हमारा आशय क्या है उसके आधार से सफलता है। तो शुरू करने से पहले एक मिनट हमको याद करना है परमात्मा को। यहाँ लिखा है शिव बाबा याद है, तो निराकार परमात्मा को मैं आत्मा पहले आत्मिक स्वरूप में आती हूँ। एक सेकंड में अपने आप को विजुलाइज करें कि मैं इस दोनों भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूँ और मैं इस बॉडी की मास्टर हूँ। मेरा पिता निराकार शिव पिता शिव बाबा है, मैं उसकी संतान हूँ। वो मेरा पिता है, वो मेरी माता है, वो मेरा दोस्त है। तो एक सेकंड उसको याद किया रिलेशन के आधार से। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे संकल्प पूरे नहीं होते, हमारा इंटेंशन पूरा होता है टॉपिक है, इसलिए किसी चीज़ पर अटेंशन देना अच्छा है। जैसे मुझे अटेंटिव होकर काम करना है लेकिन उसके पीछे जो उसके पीछे उसका मोटिव है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है। इसलिए द स्मॉलेस्ट ऑफ एक्शंस इज ऑलवेज बेटर देन द नोबलेस्ट ऑफ इंटेंशंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरा छोटा सा कर्म भी है लेकिन उसके पीछे का भाव अगर ठीक नहीं है तो कर्म तो होगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा उससे, और उससे आपको ज़्यादा देर तक प्राप्ति नहीं होगी। तो इसको थोड़ा डिटेल समझेंगे कि जैसे पहले एक फॉर्मूला होता था कि वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, उस फॉर्मूले को थोड़ा हमने चेंज कर दिया कि एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज, कि जहाँ मेरा इंटेंशन राइट है रॉन्ग है उसी हिसाब से एनर्जी फ्लो होती है। किसी भी कर्म के पीछे का भाव, जैसे आप किसी से मिलने जाते हैं और उससे आप लोभवश मिलने गए, मोहवश मिलने गए, या फिर किसी की चीट करने के वश के कारण गए, या कुछ उसको धोखा देना है, या कोई ऐसी बात कहनी है, या कोई बहुत ज़्यादा उससे काम निकालना है, सबको पता चल जाता है कि इनका पीछे का भाव क्या है। तो क्लियर माइंड सेट नहीं है, आप उसको बार बार रिपीट करके देखो, अगर मेरा माइंड क्लियर है क्लीन है सबके लिए तो उससे क्या होगा, जो वातावरण बनेगा वो ज़बरदस्त होगा। इसमें इंटेंशन बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए देखो परमात्मा ने जिस आत्मा को निमित्त बनाया, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन सब उन्होंने अपने मन का भाव क्या रखा, विश्व कल्याण करने का, पूरे वर्ल्ड को सुख शांति प्रेम पवित्रता का दान देने का, और सिर्फ यही किया। उसके पीछे भाव साफ था तो बाधाएं बहुत आईं लेकिन उन्होंने उसको आराम से क्रॉस कर लिया। तो ये एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज। इंटेंशन के बहुत सारे नाम हैं, इरादा आशय नियत, उसके पीछे का मोटिव प्रायोजन अभिप्राय मुद्दा मंतव्य मंसूबा, इसके पीछे आपका क्या मंसूबा है, क्या छुपा हुआ है, क्यों आप मेरे पास आए हो।
तो जैसे हम किसी से पास जाते, मेरा काम नहीं हो रहा है या मुझे कुछ मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब कोई न कोई इंटेंशन है। वो इंटेंशन हद का माना लिमिटेड वाला भी हो सकता है, स्वार्थ वाला भी हो सकता है, और बेहद का। अगर बेहद का है सुख मिलेगा, अगर हद का है तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। अब देखिए, हम कभी कहते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से संकल्प कर रहा हूँ लेकिन ये पूरा नहीं हो रहा है, कारण क्या है? तो हमारे जीवन में हमारा संकल्प कभी पूरा नहीं होता, पूरा होता है हमारा इंटेंशन। संकल्प के पीछे हमारा इंटेंशन अगर शुद्ध है तो संकल्प पूरा होगा। तो पहले हम कर्म, बोल और संकल्प पर बात करते थे कि आपका संकल्प अच्छा हो, आपका बोल अच्छा हो, लेकिन संकल्प करने से पहले इंटेंशन को चेक करो। व्हाई, मैं ये काम क्यों करूं? इस काम के पीछे मेरा भाव क्या है? उस भाव के आधार से, उस संकल्प से आपको सुख मिलेगा। अगर आपने समझ लिया तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। बहुत गहराई से इस बात को अंडरलाइन करना है कि जो मैं संकल्प करने जा रहा हूँ या जो मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके पीछे का भाव क्या है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, उसके आधार से उस संकल्प में बल आता है। ऐसे कोई भी बात हमें क्यों करनी है, एक क्वेश्चन मार्क अपने आप से लगाओ। देखो, आपको पूरा जैसे कारण क्लियर होगा, कोई भी कॉज अगर आपको पता चल जाए तो आप वो कर्म बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। जैसे एक कार्य मुझे क्यों करना है, कारण बताओ। जैसे अगर मुझे योग क्यों करना है, स्व उन्नति के लिए करना है, दुनिया की सेवा के लिए करना है, या चमत्कार के लिए करना है, या लोगों को दिखाने के लिए करना है। अगर आपका योग बेहद का होगा, दृष्टिकोण आपका लिमिटलेस वाला होगा, पूरे वर्ल्ड के बेनिफिशियली के लिए होगा, या बेनिफि उनको कल्याण करने के लिए होगा, स्व कल्याण के लिए होगा, तो निश्चित रूप से योग सिद्ध होगा। कभी भी आपको आलस्य नहीं आएगा। अगर आता है किसी बात में आलस्य तो इंटेंशन ठीक नहीं है, क्योंकि सभी कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। नहीं, मुरली जो यहाँ पर ज्ञान की मुरली सुनाई जाती है, परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं, वो स्वयं के लिए हैं। अगर वो आपको लगता है मेरे लिए है, मेरी उन्नति के लिए, तो कभी नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर मुझे कहीं बैठ के किसी सत्संग में बैठ के आपको नींद आती है, उबासी आती है, इसका मतलब मैं ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, इंटेंशन ठीक नहीं उसके पीछे। सत्संग क्यों करना है, बहुत सारे सत्संग हैं, यही वाला क्यों करना है, इसके पीछे का कारण। कोई भी कर्म क्यों करना, नहाना है, खाना खाना है, नाश्ता करना है, क्यों करना है? क्योंकि अगर मेरा शरीर स्वस्थ होगा, नहीं खाना खा लिया बस। तो जब तक उसके पीछे का कारण क्लियर नहीं होगा ना, तब तक जब आप एक्शन परफॉर्म करेंगे उस एक्शन में प्रोग्रेस फील नहीं होगी। तो ये आपको बार बार चेक करना है कि मेरा इंटेंशन इसके पीछे क्या है। मन में अच्छे संकल्प क्यों चलने चाहिए? जैसे कहते हैं मेरा मन ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ऐसी विधि बता दे जिससे मेरा मन ठीक हो जाए। तो इसका भी कारण पूछो भाई, अच्छे संकल्प क्यों चलने चाहिए, क्योंकि मेरा मन ठीक हो जाए। तो इसमें कारण अगर हद का है, लिमिटेड है, मोह वाला है कि मेरी बेटी की उन्नति हो जाए, मेरा घर अच्छा हो जाए, ये लिमिटेड हमारे रीजंस हैं। अब पूरा वर्ल्ड हमारा घर है, आपको पता है, आप उस पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। इस वर्ल्ड के बीच में एक छोटा सा स्थान है जहाँ आपका घर है, तो आपका घर तो कहाँ है और पूरा वर्ल्ड आपको दिख रहा है। अगर पूरे वर्ल्ड को आप वाइब्रेशन दे रहे हैं या पूरे वर्ल्ड के बारे में अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, तो उसमें आपका घर नेचुरल आ जाएगा। तो जैसे विश्व कल्याण के बारे में मैंने सोचा, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचा, तो उसमें हम शामिल हैं। तो हमको अच्छे संकल्प चलाने हैं तो लिमिटलेस वाले चलाने। आप खुद से खुश नहीं है, आपकी उन्नति नहीं होगी। आपको जो भी मिला आपके लिए वही सही है, जो भी मिला। मतलब अगर आपको घर में चार जने हैं, बड़े ध्यान से इस बात को सुनेंगे, चारों को आप 40 साल से जानते हैं, 30 साल से जानते हैं, 20 साल से जानते हैं, तो वो आपके लिए वही सही है क्योंकि आपने उनको इतने सालों से देखा है, तो उनके साथ रहना इजी है। ये नहीं कि मैं अपने घर में, तो मैं उनके उनका घर में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा घर भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी 4 दिन बाद आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मेरा ही घर था। तो जो भी आपको मिला है उसे आप एक्सेप्ट करो। अगर रिजेक्ट किया तो रुकेगा नहीं, मतलब जो भी मिला है उसको एक्सेप्ट करना का मतलब कि आपने इंटेंशन जान लिया कि नहीं, इनको पावरफुल तरीके से मुझे हैंडल करना है। रिजेक्ट किया तो रुकेगा नहीं। जैसे अगर आपको कोई घर में रिजेक्ट करे, कोई आपसे बार बार बात ना करे, कोई आपको बार बार
डिमोरलाइज करे तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो हमको एक्सेप्ट करना सिखाया परमात्मा ने, रिजेक्ट करना नहीं सिखाया। जैसे अगर यहाँ भी हम नर्वस हो जाते हैं, किसी आपने बहुत अच्छे योगी से आप मिले जो परमात्मा को खूब अच्छी तरह से याद करता है, जो बहुत पुराना परमात्मा का बच्चा है, ज्ञानी है, समझदार है, आप उससे मिले तो आपको अगर चलो मुरली समझ नहीं आती, ज्ञान समझ नहीं आता, थोड़ा तो समझ में आता है ना। जितना योग लगा, जितना समझ में आया, उसको एक्सेप्ट करो। कोई कह दे अगर आपसे, अरे मेरा तो 2 घंटे योग होता है, आपका 5 मिनट भी नहीं होता, अब आप नर्वस हो गए। एक्सेप्टेंस हमारी हमारे इंटेंशन को शो करती है कि नहीं, मुझे दिखाने के लिए तो नहीं करना है ना, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि मेरी उन्नति हो रही कि नहीं हो रही, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि आप बस ऐसे शो करने के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए इस ज्ञान में जुड़ने के बाद भी अगर हमारी प्रोग्रेस फील नहीं होती तो उसका कारण ये है कि मेरा इंटेंशन ही ठीक नहीं, दिखाने का भाव है। अगर मुझे 2 मिनट परमात्मा की याद आई, गहरी फीलिंग आई, उसमें मुझे अच्छे अनुभव हुए, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, फिर अगले दिन फिर कर लूँगा, फिर कर लूँगा। लोगों के आधार से अगर आपने अपने आप को चेक किया तो फिर हम फेल हो जाएंगे। तो स्वीकार करने को समझते हैं। परिवार, घर में कोई आपको रिजेक्ट करता है तो आपको अच्छा लगता है? ज़्यादातर हम पूरे जीवन कमियों को देखते रहे हैं, माना रिजेक्ट करने में निकल गया। इसलिए ना अपने को रिजेक्ट करो, ना औरों को रिजेक्ट करो, हमेशा एक्सेप्ट करो। अब आप तो अपने आप को हर हाल में एक्सेप्ट करो। जैसे अपने आप अपने आप बच्चों को आप देखो, चाहे जितने भी खराब से खराब हो, उनके कितने भी गंदे संस्कार हों, लेकिन फिर भी आप उनके साथ रह रहे हैं। कहते हैं ना, फिर भी हमारे बच्चे हैं। अगर पूरे वर्ल्ड को बच्चा बना ले तो, पूरे वर्ल्ड के माता पिता बन जाएं तो आप क्या होगा? किसी से ना आपको नफरत होगी, ना किसी से आपको हेट्रेट होगा, ना जेलसी होगी। पूरा वर्ल्ड आपका घर है, लेकिन नहीं, आप अपने घर में उनको हर हाल में एक्सेप्ट करते हैं ना। ऐसे अपने थॉट को, अपनी फीलिंग्स को, जो उसके पीछे इंटेंशन है, उसको एक्सेप्ट करो। बनावटी नहीं बनना है हमें, एक्सेप्ट करना है कि सच में मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ। उसके आधार से देखो कितना सुंदर चेंज आता है हमारे अंदर। तो अपने आप को हर हाल में एक्सेप्ट करना है। सच में मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, सच में मैं, मेरी ऐसी स्थिति है, सच में मैं दूसरों की कमियाँ देखता हूँ, सच में मेरे को चेंज करना चाहिए। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप योग करते रहो, आपका योग लगने वाला नहीं है। तो योग कब लगेगा? जब आप शक्तिशाली बनेंगे, उसके पीछे का इंटेंशन शुद्ध और पवित्र होगा। तो इंटेंशन के आधार से हम परमात्मा को समझते हैं। पहले ज्ञान गहरा, इसलिए धीरे धीरे दिया गया। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो चाहे तो एक बार में ज्ञान को उड़ेल देता, लेकिन धीरे धीरे दिया। इस ज्ञान में संयम चाहिए, समझने के लिए संयम, क्योंकि जो चीज़ तेजी से बढ़ती है वो तेजी से घटती है। एक एग्जाम्पल वर्ल्डली ले लो, इसमें जैसे आपने अगर देखा होगा, स्टील का कोई बर्तन है, वो इतना हाई टेम्परेचर पे बनाया जाता है कि बहुत जल्दी गर्म होता है और उतना जल्दी ठंडा ही होता है। वैसे एल्यूमिनियम की जितने भी बर्तन होते हैं, उन बर्तनों को बहुत लो टेम्परेचर पे बनाया जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ऐसे परमात्मा का ज्ञान हमको 5,000 साल तक चलाना है, इसलिए इतना धीरे धीरे एक एक बात को एक्सेप्ट करा रहा है, एक एक बात को परमात्मा आराम से हमको सिखा रहे हैं कि आपको इसको समझना है। परमात्मा ने हर आत्मा को एक्सेप्ट किया। इंटेंशन देखो कितना शुद्ध है। किसको एक्सेप्ट किया? आत्मा को। लेकिन संस्कारों को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि संस्कार हमने इंटेंशनली बनाए, या चाहे अनजाने में बनाए, या चाहे जानबूझकर बनाए, बनाया तो हमने। तो परमात्मा ने जो हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ है उसको नेगलेक्ट कर दिया, लेकिन जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है उसके बेस पर हमको एक्सेप्ट कर लिया। इंटेंशन शुद्ध, बस यही तरीका आगे बढ़ने का है। हम अगर परमात्मा के बच्चे हैं तो हमको हर आत्मा को एक्सेप्ट करना है, उसके संस्कारों को एक्सेप्ट नहीं करना है। आत्मा को स्वीकार करना, वरना अपने ओरिजिनल फॉर्म में पहले खुद आना, खुद खूब प्रैक्टिस करना। जैसे आप खुद अपने आप को प्रैक्टिस करोगे, अपने आप को आपने एक्सेप्ट कर लिया ओरिजिनली फॉर्म में, ऐसे ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप अंदर से अभी ठीक नहीं हुए, नहीं तो सामने वाला निश्चित रूप से एक्सेप्ट हो जाता। ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो भी इस जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सबके लिए यही तरीका है।
तो ये प्रयोग करते हैं अभी। आप में से कितनी जा जो आप में से जो बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, जैसे घर में ऐसा होना चाहिए, सेंटर में ऐसा होना चाहिए, जो भी सेवा केंद्र खुले वहाँ ऐसा होना चाहिए, टाइम से सब कुछ होना चाहिए, यहाँ समय से कुछ भी नहीं होता, देर हो जाती है, हमें जाना होता है, हम इतनी देर ही बैठ सकते हैं, सब कुछ लेट करते हैं, हमें ऐसे ही बिठा देते हैं, हर प्रोग्राम देरी से शुरू होता है, देरी से ख़त्म होता है। इन लोगों का तो शुरू से हमने आदत ऐसी देखी है, ये सारे हमारे इंटेंशन है। ये वाला भाई या बहन हमको बोर करता है, अच्छा आज ये क्लास कराएंगे, तब तो बोरियत शुरू हो जाएगी। अब आप बताओ, ये जो बात सामने है इसको आप बार बार चेक करो कि जो चीज़ आपके सामने आई आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, इसके पीछे का इंटेंशन देखो। आप टाइम कॉन्शियस हैं, आप परमात्मा के घर में आए तो उसको एंजॉय करो, लेकिन अगर आपने टाइम कॉन्शियस अपने आप को बना दिया तो आप क्या हैं, अपनी बात अभी भी रखना चाहते हैं, इंटेंशन शुद्ध नहीं है, बस आके कोटा पूरा करना है किसी भी तरीके से। तो अगर प्रोग्राम देरी से शुरू होता है तो ठीक है, आप देरी से आ जाओ, या कुछ भी ऐसा होता है तो आप देरी से कर लो, लेकिन आप इस बात को बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, उस चीज़ का सुख नहीं मिल रहा है, जिस चीज़ को आपका सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, अब आप देखो हमने क्या किया, हम सभी कंफर्ट जोन में, ना ही हमने शिव बाबा को एक्सेप्ट किया क्योंकि इतने सालों से वो आए हुए हैं और सारे दिन हम सबको चार्ज करते रहते हैं, फुल टाइम हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते हैं, तो ना मैंने ज्ञान मुरली को एक्सेप्ट किया, ना मुरली सुनाने वाले को एक्सेप्ट किया, परमात्मा की ना, क्योंकि जो हम अगर एक्सेप्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारा इंटेंशन क्या है, भागने का है, बस कोटा पूरा करने का है, तो ना मैंने मुरली को एक्सेप्ट किया, ना मुरली सुनाने वाले को एक्सेप्ट किया। आप अभी भी अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं, जैसा सब कुछ है, जैसे सब कुछ करते आए दुनिया में, अब बाबा के हिसाब से सब कुछ चलेगा ही, इंटेंशन क्या है, शुद्ध है, चेक करना है। परमात्मा ने आकर हमको ज्ञान दिया, चाहे हम कितना भी हाथ पांव मान ले, लेकिन डेली जो जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, हमारा वश है इसके पीछे कोई, तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को चेक करके देखें कि मेरा हर संकल्प मैं करता तो हूँ, लेकिन इस संकल्प मेरा ये क्यों नहीं पूरा होता, मेरी बात क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि उसके पीछे कारण शुद्ध नहीं होगा। अनुभव क्या कहता है आपका, कुछ बदला आपके यहाँ अभी तक, जैसे जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, आप रिजेक्ट करते चले गए सारी बातों को, इसलिए आप बस सोच के देखो, क्या भाव को, इंटेंशन को चेक करो कि जिसको भी आपने रिजेक्ट किया है उसमें आप खुश हुए हैं, जैसे आप कहीं पर गए और कोई बात आपको ठीक नहीं लगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सामने वाला तो वैसे ही चल रहा है, दुनिया वैसे ही चल रही, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, आप इरिटेट हो रहे, होते जाइए, ट्रैफिक का रूल अगर ट्रैफिक है तो चलेगा ट्रैफिक, जैसे लोग जा रहे हैं उनको लेट हो रहा है तो आप भी उसी उसी में शामिल हैं। अब सारी परिस्थितियों में रहते हुए अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया होता तो उसको एंजॉय करते, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। अनुभव क्या कहता है, कुछ भी बदला नहीं बदला, बल्कि हमारा टेंशन बढ़ गया, इतना टेंशन बढ़ा कि हम अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, फुल टाइम डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको बस अब एक काम करना है, आपको क्या काम करना है, हर आत्मा को एक्सेप्ट करना है, संस्कारों को नहीं एक्सेप्ट करना है। परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, कहते हैं वो प्यूरिफायर है, वो सभी को प्यूरिफाई करेगा, मानते हैं, सिर्फ आरती में हमने गाया लेकिन अपने को पतित मानते ही नहीं, कहते नहीं हमारा तो सब ठीक चल रहा है। जब हम अपने आप को पतित मानेंगे कि सच में मेरे अंदर बुराई विकार है, तब परमात्मा से शक्ति मिलेगी ना, जब आप आपका इंटेंशन देखो कैसा है, सिर्फ हाँ भाई सब लोग भगवान को मानते हैं तो हमें भी मानना चाहिए, परमात्मा पतित पावन है, तो अगर मैंने अपने आप को माना कि सच में मेरे अंदर प्रॉब्लम है तो काम होगा। अब आप अपना टाइम सेट करो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे सेट करो, हर स्थान हर जगह, चाहे वो सेंटर हो चाहे कहीं भी स्थान, वहाँ का सब कुछ ठीक है। कोई कहता है 6, 7, 8 बजे काम हो, किसका सुना जाए, किसका नहीं सुना जाए, किसके आधार से चला जाए, किसके आधार से नहीं चला जाए, दुनिया का टाइम ज़रा बदल के दिखाओ, दुनिया में वर्ल्डली में गवर्नमेंट कोई रूल पास कर दे तो उसको फॉलो करते हैं ना,
चाहे वो इरिटेट हो रहे हैं अंदर घर में, चाहे परेशान हो रहे हैं, लेकिन फॉलो करना पड़ता है। वहाँ तो एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ रिजेक्ट किया। मनुष्यों पर एक नहीं चलती हमारी, बस परमात्मा को पकड़ा है कि सब इसी को हर हाल में, आपने मेरा ये काम नहीं किया, आपने मेरा ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, परमात्मा के बारे में क्या, उसी से लड़ना है। अरे वो आए हैं अगर, इतने सालों से हमको शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको एंजॉय तो करो, नहीं उसको छोटे छोटे स्थूल कामों के लिए, ग्रॉस चीज़ें जो आज नहीं कल ख़त्म हो जाएंगी, वो तो नेचुरल आपको मिलेंगी, लेकिन परमात्मा को पकड़ा है माना परमात्मा के लिए उल्टी पुल्टी बातें चलती हैं। लेकिन किसी मनुष्य पर जरा चला के दिखाओ तो हमारा इंटेंशन समझ आ रहा है। एक या तो एकदम अज्ञानी बन जाए हम, या तो बहुत समझदार बन जाए। एकदम अज्ञानी का छोटे बच्चे बन जाओ, जो बिच्छू को देख भागता नहीं उससे खेलता है, या फिर इतने समझदार कि हमारे लिए माया कुछ भी नहीं है, कि मतलब हम हर चीज़ को के पीछे का भाव बदल दें कि नहीं मुझे विश्व कल्याण के बारे में सोचना है, सिर्फ अच्छा सोचना है। जितना ज़्यादा इंटेंशन शुद्ध और पवित्र होगा, उतना आपके हर संकल्प में बल आएगा, पावर आएगी। तो इसलिए छोटा बच्चा को सब लोग देखो देखना चाहते हैं, या बहुत समझदार के साथ लोग बैठना चाहते हैं, लेकिन जो ऐसे हैं जिनका इंटेंशन शुद्ध और पवित्र नहीं, उनके साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता, कोई बैठना ही नहीं चाहता। इसलिए हम ज्ञानी समझदार अगर हैं तो हमारे पास लोग बैठकर हमसे सोल्यूशन लेने चाहिए, लेकिन नहीं कोई ले रहा है, इसका मतलब ज़रूर हमारे इंटेंशन में कमी है। तो जब से अपने बारे में सोचा सभी कंगाल हो गए, संबंधों से, तन से, मन से, धन से, राजाई चली गई, देने का काम बंद हो गया। आज भी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राजा कोई नहीं है, क्योंकि इंटेंशन ठीक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कर्म कर रहे हैं क्योंकि लोग कर रहे हैं तो हम भी ऐसा कर लेते हैं, नहीं, उसके पीछे का सोच संकल्प अगर शक्तिशाली नहीं है तो आप, उसके पीछे का भाव अच्छा नहीं है तो आप चाहे कितने अच्छे अच्छे संकल्प करें, वो संकल्प पूरा नहीं होता। संकल्प पूरा नहीं होता, पूरा होता है हमारा इंटेंशन, हमारा आशय, हमारा मंसूबा, हमारा मोटिव, हमारी नीयत। तो एक दिन सोच के देखो, आपके पास कुछ भी नहीं, ना कोई नाम है, ना पद है, ना पैसा है, फिर भी आप खुश हैं, समझो वही आनंद है, वही ब्लिस है। जब तक आपके पास कुछ ना कुछ है, किसी न किसी बात के पीछे आप योग कर रहे हैं, किसी न किसी बात के पीछे आप मुरली सुन रहे हैं, किसी न किसी बात के पीछे आप सत्संग कर रहे हैं, आपका काम नहीं होगा। आप रहेंगे एक, जिसको हम नेमी नाथ कहते हैं, आप काम करते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन काम नहीं होगा, क्योंकि भाव लिमिटेड वाला है वो इस वर्ल्डली लाइफ के लिए। क्योंकि ये तो कहा भी जाता है, हमारा शरीर आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास तो सब वर्ल्ड में आएगा ही आएगा। आप पूरे विश्व को, एक ग्लोब को हाथ में रख के देखो, कि आप पूरे विश्व को, जब ग्लोब को हाथ में रखते हैं तो आपको लगता है ना, इसमें पूरे वर्ल्ड की आत्माएं हैं, मैं इन सबका एंसेस्टर हूँ, मैं इनका पूर्वज हूँ। अगर मैं इनका पूर्वज हूँ तो मेरे लिए ये सारे क्या हो गए, बच्चे हो गए। तो अगर मैंने इनके लिए अच्छा अच्छा दिया, अच्छा अच्छा सोचा, तो क्या होगा, नेचुरल हमारे भाव बदलेंगे, और हमारे घर में तो ना, हमारा घर भी उसी में शामिल है। तो बेहद का सोच, लिमिटलेस सोच, हमारे घर को, हमारे परिवार को, पूरे विश्व को अपना अच्छा बना देती है। आप सिर्फ विश्व कल्याणकारी बनो, स्व कल्याण तो नेचुरल हो जाएगा। तो सबसे पहले अच्छी तरह से संकल्पों को बल दो, आत्मिक रूप से शक्तिशाली हो गए, फिर विश्व के बारे में सोचो। आपके पास जब तक कुछ न कुछ है, मैंने छोटी छोटी बात के लिए आपने कुछ किया, कोई न कोई दुख रहेगा ही रहेगा। तो इसको निकलने का तरीका ये है। अब हम करते हैं थोड़ा सा फिर से मेडिटेशन। आज एक संकल्प लिया कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा इंटेंशन शुद्ध है, हर कर्म के पीछे कल्याणकारी है, सबके लिए अच्छा भाव है। वो आप देखो, आपका मोह का भाव होगा, लोभ का भाव होगा, चेक करना है। कई बार कहते नहीं मैं तो चाहती हूँ, ये चाहना भी, या मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, ये चाहना भी मोह है। क्या आप पूरे वर्ल्ड के लिए चाहते हैं? आप तो परिवार के दो जनों के लिए चाहते हैं। तो अगर आप किसी को चाहते हैं, ये भी मजबूरी वश है,
या मोहब्बतवश का मतलब दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारा लगाव है। तो आप पूरे वर्ल्ड के लिए चाहो तब माना जाएगा कि आप योगी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन अपने घर के लिए चाह रहे हैं तो उसमें तो लगाव है। अगर आपको सच में पूरे वर्ल्ड से प्यार है तो पूरे वर्ल्ड के लिए सोचो, देखो आपका घर अच्छा होता है कि नहीं होता। तो अब हमको क्या संकल्प करना है कि मैं एक शुद्ध, पवित्र, शुद्ध संकल्प करने वाली आत्मा, पूरे विश्व के लिए सोचने वाली, जैसे परमात्मा पिता पूरे विश्व का मालिक है, पूरे विश्व को प्रकाश देता है, शक्ति देता है, वैसे मैं उसका बच्चा भी उसके लिए ऐसा ही सोचूंगा, सबके लिए ऐसा सोचूंगा। तो एक सेकेंड सोल कॉन्शियस हुए, आत्मिक स्थिति में आए, पूरा वर्ल्ड अमेरा है, ग्लोब के ऊपर बैठ गए और ऊपर से परमात्मा की किरणों को फील करना शुरू किया। वो पवित्रता के सागर है, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। तो जैसे मैंने पवित्र स्वरूप का संकल्प किया, ऑटोमेटिकली पवित्रता के सागर से शक्ति आई और प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। तो अगर कारण शुद्ध है, शक्तिशाली है, तो संकल्प शुद्ध, श्रेष्ठ और सफल होंगे। ये अंडरलाइन करना है। तो परमात्मा का वरदान भी हमको मिल गया नेचुरल, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरे वर्ल्ड के बेनिफैक्टर हो गए, नेचुरल पूरा वर्ल्ड हमारे हाथ में हो गया। एक दिन बस बैठ के ऐसा सोच के देखो, आप एकदम हल्के हो जाएंगे। ओम शांति।